हर्ष एक्सपेरिमेंट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो हर्ष एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम ऐसा एक गैजेट बनाने वाले हैं वो बहुत यूजफुल होने वाला है और आपको वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, चलो बनाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लॉथ आयरन बनाने वाले और उसके लिए आपको एक कबाड़ी वाले के पास या फिर ओल्ड प्रेस की जो वो होता ना स्टील, आपको वो ले लेना है और उसे सैंड पेपर से घस लेना है क्योंकि ओल्ड प्रेस ख़राब रहती है इसलिए। और मैंने सैंड पेपर से इसे अच्छे तरीके से फ्रेशिंग दे दी है। और आपको एक हीटिंग एलिमेंट ख़रीद लेना है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो और आप इसे इजीली अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हो। मैं इसे इस तरीके से फिक्स कर लूँगा प्लास्टिक से ठोक के और आप कोई हल्की चीज़ से इसे कीजिएगा क्योंकि ये टूट जाती है इजीली और मैं नहीं चाहता कि ये ख़राब हो जाए, इसलिए आप ये धीरे धीरे इसे फिक्स करिए। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये किसने कर दिया, फ्रेंड्स ये किसने किया हुआ नहीं है, ये सीमेंट है। फ्रेंड्स आपको इस तरीके से सीमेंट लगा देना है, ये देखिए इस तरीके से, और अच्छे तरीके से लगाना है, ये फिक्स होना चाहिए बिल्कुल। और सीमेंट सूखने के लिए दे देना है और ये देखिए सीमेंट सूखने के बाद ये इस तरीके से बन चुका है और हमारे प्रेस तैयार होने ही वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये हम कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ करेंगे और आप इसे अमेजोन से ख़रीद सकते हो। और हमें दो नट की ज़रूरत होगी, आप इसका यूज़ कर सकते हो और दो बड़े नट की यूज़ होंगे। और ये मैंने वुड लिया है, आप कोई भी लकड़ी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने पीवीसी पाइप का एक हैंडल बना लिया है, गैस पे गर्म करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ये प्लग लिया है 220 वोल्ट देने के लिए और ये हमारा एसी करंट से चलेगा, इसलिए आप सावधानी से इसे बनाइए। मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ सिंपल सा, आप इसे और भी अच्छा बना सकते हो। और ये हमने वायर भी लिया है और टीन ये मैंने इस तरीके से बना लिया है, ये देखिए ये मैंने टीन इस तरीके से शेप दे दिया और इसमें एक होल किया है, ये देखिए। आपको भी इस तरीके से कर लेना है, आप इससे भी अच्छी बना सकते हो। मैं सिर्फ एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं अपने लिए यूज़ करने के लिए, आप अपने लिए अपने मुताबिक डिज़ाइन बना सकते हो। ये देखिए ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपको इस तरीके से लगा देना है, ये देखिए जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और आप पूरा सेफ्टी से इसे बनाइए और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये बॉडी में टच ना होने पाए इसकी वायरिंग, नहीं तो इसमें करेंट आ सकता है। और इसे हमने इस तरीके से लगा दिया है और इसे नट कस देने आपको इस तरीके से, और बिल्कुल सेम तरीके से आपको इस तरीके से कस देने हैं और ये बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो करेंट आ सकता है। फ्रेंड्स आप करेंट का ध्यान रखिए, मैं टेस्ट पेन से चेक भी करूँगा कि इसमें करेंट तो आ तो नहीं रहा। और ये मैंने एक कैप लिया है ढक्कन विक्स की और ये मैंने एक तरीके का स्क्रू लिया है और आप इस तरीके का स्क्रू ले सकते हो फ्रेंड्स। और मैं कैची से इसे होल कर दूंगा। और आप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आपको इस तरीके से होल कर लेना है और इसमें नट लगा देना है और आपको इसे अच्छे तरीके से लगाना है, यह लूज़ नहीं रहना चाहिए नहीं तो ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से फिक्स कर दिया है और जो हमने दो बड़े नट यूज़ किए थे ना वो दो तरीके से इस तरीके से लगा दिया है हमने, ये देखिए। और ये मैंने वुड ली थी ना जो उसमें होल है, फ्रेंड्स आपको भी इस तरीके से होल कर लेना है नट के हिसाब से और हमें इस तरीके से लगा देना है और आप अच्छे तरीके से बनाइए। और मैंने प्लास्टिक का हैंडल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें करंट आए तो हैंडल में करंट नहीं आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये मैं वुड यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से और आपको इस तरीके से लगा देना है और हमें इस तरीके से हैंडल भी लगा देना है
और ये ब्लैक ब्लैक इसलिए हो चुका है हैंडल क्योंकि इसमें हमने गैस पे गर्म किया इसलिए। और आपको इस तरीके से नट कस देना है इसमें टाइट और ये बहुत ही इजीली बन जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें हम वायरिंग करेंगे बाद में। ये देखिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है और आप वायरिंग का ख़ास ध्यान रखिए नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और इसे हम वायरिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम ये जो लिए थे ना उसमें इस तरीके से लगा देंगे प्लग में और ये बहुत अच्छा वर्क करेगा फ्रेंड्स। और ये हमने वायरिंग कर लिया इस तरीके से और ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वायरिंग करनी है नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हमें इस तरीके से कस देना है स्क्रू की मदद से और प्लग में सेट कर देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमें वायरिंग कर लेनी है ये देखिए। और आपको कॉपर वायर यूज़ करने हैं, मैंने सिल्वर वायर यूज़ किया है। और ये वायरिंग कनेक्शन आप फाइबर स्लीव लगा के इसे लगाइए नहीं तो ये वायरिंग जल जाएंगी इसलिए फाइबर स्लीव लगाइए। हमें इस तरीके से लगा देना है इसे अच्छे तरीके से और हम एक में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और एक में इस तरीके से कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए और इसे चला के देखते हैं। ये देखिए ये तो बहुत अच्छा प्रेस कर रहा है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये रियल वीडियो है। ये देखिए ये क्लॉथ में निशान पड़ा है और मैं गर्म प्रेस से ये निशान मिटा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए और मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बन चुकी है प्रेस। बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले प्रोजेक्ट के साथ।